पहले मोहम्मद शमी, फिर इरफान पठान और अब मोहम्मद कैफ। कट्टरपंथियों के निशाने पर लगातार ये क्रिकेटर्स आ रहे हैं। पहले मोहम्मद शमी की पत्नी को उनके कपड़ों को लेकर ट्रोल किया गया, फिर इरफान पठान की पत्नी के नेल पॉलिश को लेकर उन्हें ट्रोल किया गया और अब कट्टरपंथियों को मोहम्मद कैफ का चेस खेलना नागवार गुजर रहा है। कट्टरपंथी इन तीनों गतिविधियों को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने रविवार को कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने हाल ही में अपने बेटे के साथ चेस खेलते हुए एक तस्वीर सोशल वेबसाइट फेसबुक पर पोस्ट की थी। इसके बाद कट्टरपंथियों ने उन्हें अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। मोहम्मद कैफ ने कट्टरपंथियों को सबक सिखाने के लिए आज एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में कैफ ने लिखा, जब आप कोई खेल खेलते हैं तो ये जाति संप्रदाय धर्म की बाधाओं को तोड़ने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। सभी के लिए दुआ करता हूं कि सभी खूब खेले। अपने इस ट्वीट में मोहम्मद कैफ ने एक टेक्स्ट फोटो भी शेयर की है। इस टेक्स्ट फोटो में कैफ ने चेस खेल की खूबियों को बताया है। चेस के बारे में इस क्रिकेटर ने लिखा, चेस एक खूबसूरत खेल है। अपने सीखे हुए को दूसरों तक ले जाना कोई अपराध नहीं है, खास तौर पर ऐसे खेल को जो भारत की अपनी ही खोज है और शताब्दियों से यहाँ खेला जा रहा है। आपको बता दें कि मोहम्मद कैफ पहली बार कट्टरपंथियों के निशाने पर नहीं रहे हैं। इससे पहले जब उन्होंने सूर्य नमस्कार किया था तब भी उन्हें निशाने पर लिया गया था, लेकिन कैफ हर बार कट्टरपंथियों को करारा जवाब देते हैं। वायरल कीड़ा न्यूज।